अच्छा लोग बाग तो कहते हैं कि इस बार तो कांग्रेस आने वाली है। अरे अब लोग बाग आने तो कछु कर दे आदमी, अगर लोग बाग आने तो अगर पाँव विदा वाला के जाके अच्छा नहीं दा मेरे पाँव। अच्छा भी कैसा आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा बीजेपी आएगी, क्यों बीजेपी क्यों, काम अच्छी करवा रही है। अच्छा काम किया, अच्छा आने वाला है कुछ महीने बाद। क्या लगता है इस बार कमल खेलेगा या कमल ही खेलेगा सर? कमल क्यों खेलेगा, लोग बाग तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी जा रही है। कमल खेलेगा, क्यों खेलेगा? अरे जब वोट हम देंगे। अरे कमल खेलेगा या फिर पंजाब कांग्रेस? क्यों कांग्रेस क्यों? हमें तो पट्टे दिए। कब पट्टे दिए? बहुत साल, 20 साल पुराने। अच्छा हम तो सी देंगे। चुनाव आने वाला है, फिर क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? फूल के जाएंगे, फूल में देंगे हम। फूल में क्यों, क्या फूल में क्यों? क्यों अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम इस बार, कमल खेलेगा या पंजाब? कमल खेलेगा। क्यों कमल क्यों? कमल उसने सड़के डलवा दी, पहली पहलो काम, दूसरे लाइट दे रहा है, घर घर आ गई समझ, बढ़िया कूलर पंखा, बढ़िया किसान ही हो रही है। मैं आपको बताऊं कि एक घर में अगर 4 सदस्य लोग बाग पढ़ते हैं तो चारों की तो नौकरी लगेगी नहीं है, तो अपन भी जानते हैं। उसमें से अब एक गांव में से आप सोच लो, एक गांव में 500 लोग पढ़ रहा है तो 500 को तो रोजगार मिलेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमनान इंडियन न्यूज, मैं हूं आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसे कि आपको पता है कुछ समय बाद मध्य प्रदेश नया चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनकी पहली पसंद क्या होने वाली है, वो इस बार बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को। इस संबंध में गांव-गांव पहुंचकर जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो उसी के उपलक्ष में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाले कड़ैया बुद्धू में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कड़ैया बुद्धू के आप देख रहे होंगे इस साइड ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो एक एक करके हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम रजनीश। तो दादा कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है, तो इस बार कमल खेलेगा या पंजा? कमल खेलेगा। क्यों कमल क्यों? कमल उसने सड़के डलवा दी, पहली पहलो काम, दूसरे लाइट दे रहा है, यही पाले घर घर आ गई समझ, बढ़िया कूलर पंखा, बढ़िया किसान ही हो रही है, पानी लग रहा है खेतों में, आनंद मंगल हो रहा है। अच्छा लोग बाग तो कहते हैं कि इस बार तो कांग्रेस आने वाली है। अरे अब लोग बाग आने तो कछु कर दे आदमी, अगर लोग बाग आने तो अगर पाँव भी दावा लगे जाके अच्छा नहीं दा मेरे पाँव। अच्छा। या भी कह सकते हैं। अच्छा है, और अच्छा खाना खवा दे अच्छे से, अच्छा 36 प्रकार यार 50-72% नहीं खावा, 72% नहीं खावा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जो है ना बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। रोजगारी तो बेल से ज्यादा 100% अच्छे रह रहे हैं, सभी रोजगार मिल रहा है। अच्छा। मजदूर रहेंगे बिना 400-400 रुपये मिल रहे हैं, 500-500 दिन से हमसे अच्छे भी हुए हैं रोजगार वाले, सब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, बढ़िया। कहते हैं मध्य प्रदेश में जो है ना कर्ज बढ़ा दिया बीजेपी सरकार ने। कर्ज तो हम भी बढ़ा लेते हैं, कई बार माफ कर दिया, नहीं कई बार माफ कर दिया, हाँ कर दिया ना। देखो पहले कितने बिल आए थे पूरे, बिजली बिल माफ, हाँ बिल पूरे पूरे बिल माफ कर दे, और इतनी योजना दे रहा है, इतनी योजना दे रहा है, खाद दान से लगा के मैं बताऊँ, खाद दान योजना और 5,000 औरतों ने देते हैं लीटर सारी, फिर जी के बाद 12,000 देते कुछ आने 15-16,000 भी देते हैं, और घर जीप ले भी आती है, घर से छोड़ कर जाती है, उसके लिए प्रसूत होती है नहीं बच्चों। महंगाई पे क्या कहेंगे, महंगाई वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। महंगाई तो देखो सबकी बात है, सब चीज की महंगाई सब चलेगी, महंगाई कम होती है कोई से नहीं हो, महंगाई कम, महंगाई कम सबसे कोई नहीं होती है, महंगाई तो अपनी महंगाई पहले की बढ़ रही है, उनकी महंगाई बढ़ रही है। क्या नाम दादा आपको? चंदन सिंह सरपंच। तो दादा चुनाव आने वाला है कुछ महीने बाद, क्या लगता है इस बार कमल खेलेगा या कमल ही खेलेगा सर? कमल क्यों खेलेगा, लोग बाग तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी जा रही है। कमल खेलेगा, क्यों खेलेगा? अरे जब वोट हम देंगे। क्या काम किया कमल, मतलब क्या काम किया? अरे 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये ले दे रहे हैं, और सारी व्यवस्था कर रहे हैं लोग, कांग्रेस ही जो लोग आरोप लगा रहे कहीं ना कहीं बीजेपी में। ये तो पार्टी है, दुनिया नहीं लगा, दुनिया करते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, सप्लाई करते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं कोई बेरोजगारी नहीं, बड़ी मेहनत करो पैसे मिले, वो बेरोजगारी राय की बात कर, इन्होंने काम किए नहीं किए। अरे विधायक जी तो काम तो मिलेगा ऊपर से, करेंगे विकास करेंगे, उन्होंने नहीं किए काम, मतलब करें खूब काम, सब काम कर रहे हैं। कितने संतुष्ट हो आप इस काम? हम तो पूरे 100% संतुष्ट है। अच्छा अगर उन्हें टिकट मिलता है तो फिर? अरे हम तो जीव तैयार ढाले, तो आने वाले हैं, आने वाले हैं। अच्छा आपका क्या नाम भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम गुलाब सिंह राजपूत। अच्छा चुनाव आने वाला है, फिर क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? फूल के जाएंगे, फूल में जाएंगे हम। फूल में क्यों, क्या फूल में क्यों, क्यों अच्छे काम कर रहे हैं? क्या अच्छा काम किया,
कुछ कर रहा है, लाडली भिलाई उन्हें चलाई, साकिया बनवाई, लाइट भी ली कर भाई, कांग्रेस कांग्रेस के राजवान पर यहाँ पर लाइट नहीं थी, इसलिए हम चाह रहे हैं। कांग्रेस ही लोग आरोप लगा रहे हैं उसे महंगाई बढ़ा दी है, मतलब कोई महंगाई तो अपने फसल को बनाई जो उच्च दान मर गया। अच्छा, लोकल स्तर पर जो विधायक है उनने उनके काम से कितने संतुष्ट है, काम किया नहीं किया? वो काम किया, हम मतलब बुलाते हैं जब भी आते हैं, फोन उठाते हैं, बात करते हैं कि वो हम जाते हैं तो भी काम करवाते हैं विधायक साहब। और ये भैया है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मलकान सिलाज। चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कमल खिलेगा या कमल ही खिलेगा? कमल क्यों? वो सही काम हो रहा है। क्या सही काम हो रहा है? बढ़िया, सड़क रोड लाइट बिजली सब मिल रहा है। हेलो, आप कह रहे हैं कि 18 साल से जो है ना बीजेपी है, उस बार कांग्रेस आने वाली है, तो इसमें क्या रिएक्शन दोगे आप? कांग्रेस तो आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी? क्यों बीजेपी? क्यों? काम अच्छी करवा रही है। अच्छा काम किया? अच्छा काम कर रहे, गरीब बने, गेहूँ रुपये किलो में, सब व्यवस्था, कोई परेशान नहीं है। अच्छा, स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही आ रहे हैं कि अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग वहां तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया। अरे नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, कहने वाले बहुत हैं, अब ये तो कहते हैं। और दादा इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? दादा कमल खिलेगा या पंजाब? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? क्यों? हमें पट्टे दिए। कब पट्टे दिए? बहुत साल, 20 साल पुराने। अच्छा, हम तो सीधे दंगे। बीजेपी ने क्या क्यों नाराज? हमारे साथ कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। क्या नहीं किया बताइए? हमारे साथ करो नहीं। क्या नहीं किया? कचू नहीं का, मैं तो कांग्रेस पड़ता, कांग्रेस की लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा? आप नहीं मिला, ना मिला, पानी मतलब नहीं, हमें ना डर है। मैंने कर दिया, अभी कांग्रेस दंगे। क्यों कांग्रेस इतनी पसंद? क्यों इतनी पसंद? क्यों इतनी पसंद? हमें ज्यादा दही उसने। अच्छा हाँ, इसके अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ कर रहे, वो दुनिया जरा बड़ा, हम नहीं दे रहे कांग्रेस, कांग्रेस दंगे, कांग्रेस बीजेपी नहीं दे रहे। मतलब कांग्रेस आने वाले आएगी? अच्छा, आएगी, उड़ाएगी। कितनी सीट लेके आ रही है? कितनी आए? अच्छा, कांग्रेस आएगी, जिंदाबाद है। अच्छा, टक्कर तो चुनाव बिल्कुल चलेगा। अच्छा, ऐसी क्या मतलब है जो बात बीजेपी की आपको बुरी लगी, जिससे आप मतलब? हमें जीवन की रोटी दी है, हमें पूरी कशु नहीं रह गई, हमें पट्टो दिया है, मतलब पट्टे के चक्कर में मतलब कांग्रेस को वोट पसंद कर। दादा का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने हमको जो जमीन का जो पट्टा होता वो दिया है, इस वजह से मैं कांग्रेस को वोट देना पसंद करूंगा। तो भैया इनसे जानने की कोशिश कर, क्या नाम भैया? क्या लगता है भैया? लगने को तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन हमारे घर से जो पोलेंगे वो बीजेपी की जीतेगी। बीजेपी की? क्यों? वो इसलिए जीतेगी कि सब शिक्षित लोग हैं हमारे गांव में। मैं आपको बताऊं, सब शिक्षित लोग हैं, जैसे कि आप इन्हें देखो। पहली बात तो ये है कि जो हमारे आदरणीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी जी जो हैं, वो कोई भी व्यक्ति हमारे गांव का फोन लगाते उनको कोई कारणवश या कोई मिलने के लिए, तो वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं 24 घंटे, रात को फोन लगाए। और उनके छोटे भाई जो आदरणीय श्री शीतल सिंह जी जो है ना, वो भी मतलब हम फोन लगाते हैं तो वो भी आते हैं हमारे गांव में, छोटे मोटे कार्यक्रम में ही वो उपस्थित रहते हैं। तो इस कारण से हमारी पोलिंग जो है, हमारी पूरी मतलब मेहनत रहेगी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक जो भी पूरी मेहनत रहेगी, हम बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे। और आप अगर जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं कुछ लोग, तो मैं कुछ उसमें बोलना चाहता हूँ कि बेरोजगारी तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि एक घर में अगर 4 सदस्य लोग बाग पढ़ते हैं तो चारों की तो नौकरी लगेगी नहीं, है तो अपन भी जानते हैं। उसमें से अब एक गांव में से आप सोच लो, एक गांव में 500 लोग पढ़ रहा है तो 500 को तो रोजगार मिलेगा नहीं। उसमें से एक दो की सरकार नौकरियां निकाल रही है, अभी पटवारी की नौकरी निकाली है और भी सरकारी नौकरियां निकाली है, उस पर भी चल रहा है, और आगे भी सरकार नौकरी निकालेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिल्कुल सबको रोजगार मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस भी कोई मतलब बुरी पार्टी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं, मतलब उनमें कहने का मतलब ये है कि वो लोग मतलब अपने जैसे ये हमारे रिश्तेदार हैं उनका काम ज्यादा करवाते हैं, कुछ लोग और रहते हैं उनका करवाते हैं, और अब जो अपन बीजेपी के हैं अपनी नहीं सुनते, कोई भी मतलब सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक, इसलिए हमको कांग्रेस पसंद नहीं। और हम तो कांग्रेस पार्टी जो है ना उनके लोगों का काम करवाती जी नहीं, तो अच्छा, बीजेपी का ऐसा काम जो आपको ज्यादा पसंद आया? हमको बीजेपी का सबसे पहला काम तो ये पसंद आया कि वो मतलब मैं सब मतलब युवाओं को साथ में लेके चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ मैं, आपके जो युवा है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको बीजेपी साथ में लेके चलती है, बीजेपी जो पार्टी है उनको साथ में लेके चल रही है। और दूसरी बात, वो हमारे पास आते हैं, कोई हल्का जैसे कोई पैसे वाला है उसको भी बराबर लेके चलते हैं, कोई गरीब आदमी है उसको भी साथ में लेके चलते हैं, जो हमारे आदरणीय विधायक साहब हैं सुनार के, हाँ वो सबको साथ में। जज्जी भाई आने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, जज्जी भाई साहब आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा कौन आ रही है। आचार संहिता लगने वाली 5 तारीख, जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट देंगे। बीजेपी या कांग्रेस क्या लगता है?
वो तो ऑन द स्पॉट पता लगेगा। क्या बीजेपी के जो अभी कार्यकाल चल रहा है कितने काम तो अच्छा बीजेपी कर रहे हैं तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को मतलब वोट देने वाले जी भाई साहब को जिताएंगे उनको जिताएंगे बस वही जीतेंगे। और ये भैया हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया आपका? तो भैया चुनाव आने वाला है क्या लगता है इस बार बीजेपी आई? वो तो बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों पूरी दुनिया ही बीजेपी थी है। वो तो बीजेपी लेकिन जब आप लोग बनाओगे तभी तो बीजेपी की बने सब बना रहे हैं तो हम भी क्या लगता क्यों लगता है बीजेपी पसंद क्यों? बहुत से काम करती है बीजेपी बहुत से करती है। वो तो जो जिस ऊपर होते हैं वो समझ अच्छा स्थानीय विधायक की बात करें तो उनके कार्यकाल से कितने समय तो बहुत काम करते हैं नहीं करते क्या? बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो अच्छे करते हैं काम तो और उनको टिकट मिलता है तो वोट देने वाले। तो ये थी करैया बुद्धू की जनता और वहाँ के ग्रामीण जिनको आपने एक एक करके सुना।